फाइनेंशियल फॉर्मूले सर इसमें जो एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं वो मोस्टली लोन वगैरह, लोन अमाउंट, ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही सब निकालने के लिए होते हैं इसमें मैक्सिमम ठीक जो हम है। यूज करते हैं। इसमें टर्म्स होती हैं प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू टाइप, मतलब प्रेजेंट में आपके पास कितना पैसा है, फ्यूचर में कितना हो जाएगा, इस हिसाब से हम एक ठीक अमाउंट है लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू 50,000, ठीक है जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा 14%। 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब हमने लोन लिया ये, और इस पे जो पीरियड है वो 5 साल का है, ठीक है, 5 साल में ठीक है हमें रीपे करना है। तो अब इसकी ठीक है। ईएमआई कितनी भरूंगा मैं, उसके लिए हम यूज करते हैं पीएमटी का फॉर्मूला, पर मंथ कितनी ईएमआई भरूंगा। तो पीएमटी का फॉर्मूला क्या करता है, पीएमटी के फॉर्मूला में तीन चार आर्गुमेंट होते हैं। सबसे पहला रेट है, रेट जो भी है जैसे ईयरली रेट है, अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है 12 से तो ये पीएमटी। मंथली मंथली लेगा क्या, मंथली रेट देने का अपने को इसमें? हाँ जी सर, ठीक है ये सिर्फ मंथली लेगा। ठीक है। और जो तो पीरियड है वो भी ईयरली है, उसको भी मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 12। देन इसमें प्रेजेंट वैल्यू दे देते हैं, ठीक है जी। इसके बेस पे हमारी ईएमआई बना देता है कि इतनी हमें 5 साल तक पे करनी पड़ेगी मंथली, अगर इतना लोन लेते हैं तो। अभी ये क्या है, कुछ दिया तो नहीं उसने अभी? यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है ना आपकी, ये क्या वैल्यू है? अच्छा ये 1163 रुपये, हाँ जी सर, 1163, एक 63 रुपये 41 पैसे हर महीने भरूंगा, हाँ जी हाँ तो जी 5 साल में जाके 14% के हिसाब से चुकता हो जाएगा काम। हाँ जी हाँ जी। तो ये है पीएमटी का फॉर्मूला। अब मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू, अब इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है, ये भर तो रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू क्या है इसकी, मतलब हम टोटल कितना भर रहे हैं। एफवी का हाँ, हम फॉर्मूला है, 50 के पीछे कितना दे रहे हैं? हाँ एफवी का फॉर्मूला है, उसको उसमें भी फ्यूचर वैल्यू के लिए एफवी का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही फॉर्मूला लगेगा सेम, एन पर जो होता है टाइम ठीक के लिए है। होता है, पीरियड, नंबर ऑफ सिक्सटी पीरियड, सिक्सटी मंथ्स हो गया। हाँ जी, तो मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है। देन आप इसमें पीएमटी दे सकते हैं, या तो ये दे दीजिए या आप प्रेजेंट वैल्यू दे दीजिए, ऑप्शनल है। प्रिंसिपल वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो पीएमटी जैसे हम नहीं देना चाह रहे, तो जो भी वैल्यू जो नहीं देना चाह रहे वहां जीरो लगा सकते हैं, पीवी यहां से चूज कर लेते हैं, ठीक तो है। इसकी फ्यूचर वैल्यू ये निकल के आ जाएगी 1,280 समथिंग। तो 50,000 के पीछे हम 1 लाख पे कर रहे हैं, ऐसा ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर। इसी तरह से लेकिन इसमें अगर देखें, आपने पर मंथ बताया हाँ 1163, ठीक है ना? हाँ अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा होगा करीब 14,000 इंटू 5, 70,000 आना चाहिए। उधर 1 लाख क्यों दिखा रहा है फिर? ये एक सेकंड करके देख लेते हैं, 1,600, 1163 को अगर आप पर मंथ के हिसाब से 60 से मल्टीप्लाई करो तो 70 के आसपास होना चाहिए, वहां 1 लाख क्यों दिखा रहा है? अभी देख लेते हैं सर। 12 इंटू, करेक्ट, चलिए इसको आगे देखते हैं, अभी इसको अभी यहीं ठीक है छोड़ते हैं। ठीक है ठीक है। अगर इसमें फ्यूचर हम पर वैल्यू, मंथ लेते हैं, मतलब इस पीवी को जीरो करेंगे तो कितना आता है? पीवी को पीवी को जीरो कर देते हैं, पीएमटी ले लेते हैं 1163, फिर देखते हैं क्या आता है उसमें। पीएमटी यहां से ले लेते हैं, यही आ हाँ रहा है, आ रहा है सेम अमाउंट आपका, ठीक है। ठीक है जी।
तो दोनों से वैल्यू तो सेम आ रही है, अब उसके पीछे कैलकुलेशन क्या है वो देखनी पड़ेगी एक बार। कैलकुलेशन यही है कि जो आपने B3/12 लिया है ना, वो हो गया आपका मंथली इंटरेस्ट, बाकी और आगे देखते हैं राइट? इसको, इसको यहीं रोक के देखते हैं। नहीं, उसमें कंपाउंड हो जाएगा आई थिंक, हमने कंपाउंड नहीं लिया ना, कंपाउंड राइट इंटरेस्ट ना? है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ, है। क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि 50,000 तुम्हारा एक साल में तो 14% के हिसाब से 57,000 हो जाएगा, फिर 57,000 बेसिक हो जाएगा, आगे 57,000 पे फिर 14 लगेगा ना, उस हिसाब से इसने 1,00,000 बनाया। हाँ, वो देखते हैं अभी, इसको देखते हैं, उसका भी फॉर्मूला है एक्चुअली, अच्छा ठीक है, ठीक है, बाकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही है, कैलकुलेशन तो मुझे खुद भी नहीं पता क्या है, बाकी यहाँ देखते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ 1,00,000 ठीक होगा, चलो अब ओके गुड। जैसे पीरियड है, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमें 60 किस्तें भरनी है, इसको ले जाते हैं डाउन तक 60 तक, ठीक है, ठीक है जी, 60 किस्तें भरनी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ इस किस्त में, और अपना इंटरेस्ट कितना हुआ, मतलब ये किस हिसाब से बनी है। ठीक अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो क्या आता है, देखो एक बार इसको भी देख लो, कि अगर मैं इसको प्लस में डाल के इसके अंदर है, सप्लाई कर देता हूँ तो क्या है? ये माइनस में आ जाता है, कोई फर्क नहीं। ये जो बेसिकली फाइनेंशियल फॉर्मूला, जो भी रिटर्न करते हैं वो रिटर्न करते हैं माइनस में वैल्यू आपकी, क्योंकि इसके पास खुद का तो कुछ भी पैसा वैसा होता नहीं है, तो आप उस जो है उसमें से भी निकाल ले रहे हैं तो फिर माइनस में दिखाता है, ठीक ठीक है जी। तो प्रिंसिपल के लिए PPMT है हमारे पास, कि आप प्रिंसिपल पहली किस्त में कितना आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें जो होता है हमारा रेट, वही डिवाइड बाय 12, देन PER, जो खाली PER है वो है पीरियड, कौन से पीरियड का भर रहे हैं, ठीक है जी। और एक N पर है, N पर ये टोटल, टोटल कितना भरना है, मतलब कितने टाइम तक भरना है, देन नेक्स्ट ले लेते हैं PV, ठीक है जी। तो इस पे ₹580 प्रिंसिपल बता रहा है आपका। अब ये इसका जो फॉर्मूला नहीं, है, 580 रुपये प्रिंसिपल का क्या मतलब हुआ? मतलब इस किस्त में 1641 में आपका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जैसे आप करते हैं, PPMT का जो है वो प्रिंसिपल कैलकुलेट करेगा, और P की जगह I कर देंगे IPMT, तो इंटरेस्ट करेगा, पैरामीटर सेम रहेगा, तो आपका इंटरेस्ट बता देगा। अब दोनों को टोटल कर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये हमारी जो PMT EMI जो भी जा रही है, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, तो ओके ओके, आप समझाइए, यू मीन टू से जो हम पर मंथ पे कर रहे हैं उसमें से प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है ना, उसको बाइफरकेट कर रहा है बस। हाँ, तो प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट इतना। सेकंड मंथ में क्या होता है, क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो यहाँ आपको डिफरेंस दिखेगा। आप ये देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट हर महीने बढ़ता चला जाएगा और इंटरेस्ट अमाउंट हर महीने घटता चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो आपने लोन लिया है वो सीधा सीधा कम होता जा रहा है ना, तो बचे हुए पे इंटरेस्ट लगता है, पर आपकी किस्त जो है वो सेम चल रही है। तो ये बैंकिंग प्रोसीजर कुछ इसी तरह से होता है। ओके, आप देखेंगे एंड ये में, बैंक यूज करते हैं? बिल्कुल सर एग्जैक्ट बैठेगा, अगर आप बैंक वाले से टैली करेंगे तो एग्जैक्ट बैठेगा ये, और बस उसमें क्या लगाना होगा, आपका जो फाइल चार्ज होता है, इंश्योरेंस का चार्ज होता है, वो आपको एडिशनल जोड़ना पड़ेगा, बाकी सेम कैलकुलेट करके देगा।
ठीक है। तो प्रिंसिपल जैसे अभी ये दिखा रहा है पहला 580 फर्स्ट वाला, उसमें 580 इंटरेस्ट है और बाकी 600 जो भी है वो हाँ जी सॉरी हाँ 580 प्रिंसिपल है बाकी इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट मंथ में वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है उसको, नेक्स्ट मंथ में प्रिंसिपल तुम्हारा कम हो गया, प्रिंसिपल में से इतना अमाउंट आपका कम हो गया 580, तो 580 पे जो इंटरेस्ट लगा वो ये कम लगा, मतलब 580 माइनस करके 50,000 में से 580 आप जब घटा देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो ये होगा, अच्छा उतना ही हिस्सा आपका ये प्रिंसिपल का बढ़ जाएगा, मतलब 6 रुपए का वही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, किस्त इसीलिए सेम चलती है क्योंकि कई बार मेरे मन में भी सवाल आता था कि रिड्यूसिंग में कैसे, अब क्या करते हैं इस दोनों को प्लस कर लेते हैं तो जो आप चाह रहे हैं रिजल्ट वो वही आएगा, यहाँ सही आएगा, एफई का फंडा अलग है। ठीक है जी, बाकी आप प्रिंसिपल 50,000 भर रहे हैं और जो इंटरेस्ट है वो 19,000 करीब भर रहे हैं। ठीक अगर मैं 50,000 और 19,000 भर रहा हूँ, ठीक है ना, इंटरेस्ट इंटरेस्ट मेरा फ्लैट है, फ्लैट हाँ इन द सेंस मैं ये जो 1,100 कुछ रुपए मैं भरता हूँ, 63 रुपए, ये फिक्स भरता रहता हूँ मैं, राइट ना। हाँ तो मेरी जेब से 69,000 जा रहा है, राइट ना, करेक्ट, बट फ्यूचर वैल्यू में वो इंटरेस्ट 69,000 पे भी जोड़ लेता है क्या? ये फ्यूचर वैल्यू कुछ अलग चीज है सर, फ्यूचर वैल्यू का फंड अच्छा से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, फ्यूचर वैल्यू का हाँ, मेरे को लगता है जैसे एक साल में तुम्हारा जैसे हो गया 57,000, फिर 57,000 पे इंटरेस्ट डालेगा, फिर वो 70 मतलब हो जाएगा अपना, चौ ये मेरे कंपाउंड ख्याल कंपाउंडेड लेता है। ये उसके लिए है जैसे मतलब कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर में ज्यादातर इसको यूज करते हैं। एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, इसमें क्या होता है कि आपको साल भर बाद आपको फ्यूचर वैल्यू जैसे 1 लाख रुपए चाहिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे 1 लाख चाहिए तो कितनी किस्त तो भरनी पड़ेगी। ठीक है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो भी पीरियड है वो आप दे देंगे तो उससे रिलेटेड है ये, जैसे एफवी जो है वो ये रहा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन एन इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ कांस्टेंट पे शेड्यूल, तो वो इन्वेस्टमेंट का ही है उसका, ये जो हम कर रहे हैं ये लोन का है, लोन में कैसे कैलकुलेशन होती है सही है, और ये इन्वेस्टमेंट में कैसे कैलकुलेशन होती है। तो चलिए ठीक है इसको ठीक है। इसको अभी निकालते हैं हम लोग, ये 1 लाख का क्या जुगाड़ है सारा। तो यहां हम देख रहे हैं कि अपने पास ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और पीएमटी जस्टिफाई हो रहा है यहाँ। तो इसी तरह से आपको इसी पर रेट निकालना है, आपके पास बाकी सारी चीजें रेट निकालना है, तो रेट कैसे निकलेगा, एन पर टोटल पीरियड डिवाइडेड बाय नहीं मल्टीप्लाइड बाय 12 12 एनपीएमटी, पीएमटी यहां से दे देंगे। ठीक है जी, पीवी पीवी यहां से चूज कर रहे हैं, रेट हमें निकालना है, तो रेट जब हमने निकाल लिया तो यहाँ 1% दिखा रहा है, तो ये मंथली दिखा रहा है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे तो इसमें एग्जैक्ट दिखाएगा आपको, क्योंकि मंथली निकाल के दिखा रहा है। इसी तरह आपका एन पर का फॉर्मूला है, एन पर मतलब टाइम निकालने के लिए, टाइम ड्यूरेशन, तो रेट हमने यहां से चूज कर दिया डिवाइडेड बाय 12, पीएमटी है हमारे पास यहाँ पे ये ले लिया, या पीवी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, पीवी हमने यहां से ले लिया, एंटर किया, 60 आ रहा है, तो 60 कितना आ रहा है मतलब मल्टीप्लाइड हुआ हुआ आ रहा है, टोटल कितनी हुई तो डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा एग्जैक्ट ईयर में निकालने के लिए। ठीक है जी,
तो रेट और एन पर के फॉर्मूले हैं इसके लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे देखते हैं कि मुझे मान लीजिए मेरे को एफ वी चाहिए, फ्यूचर वैल्यू चाहिए 1 लाख रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट यही 14% है और 5 साल तक मैं भरूंगा एन पर। तो इसके लिए अब मुझे किस्त किस्त नहीं भरनी एन पर पड़ेगी, को हम डायरेक्ट 60 क्यों नहीं करते, उसको बार बार 5 करके 12 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? वो ईयर्स में ले रहे हैं सर, जैसा मर्जी वैसा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, तो पीएमटी का एक फॉर्मूला लगाते हैं इधर, तो रेट यहाँ है डिवाइडेड बाय 12, एन पर टाइम में मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड पीवी अगर हमारे हम पास इसको कुछ 12 नहीं और है। 12 से मल्टीप्लाई ना करें, मान लो हाँ उसको भी 12 से ना करें, उसको भी 12 से ना करें, तो भी सेम आएगा ना? तो कैलकुलेशन आपकी वो बैंक वाली नहीं बैठेगी, कुछ और बैठ जाएगी। नहीं, मान लो अगर मैं जैसे, मैं ये नहीं बोला, मैं बोला अभी आप इस फॉर्मूला में जाइए लास्ट वाले में, अभी जो किया है, इसमें अभी अभी जो किया, हाँ इसमें जो 12 से डिवाइड किया है वो हटा दो और 12 से मल्टीप्लाई किया है वो हटा दो, फिर क्या दिखाएगा? उसका ये दिखाएगा कि जो आपका टोटल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है वो आपका मंथली लग जाएगा और जो रेट है, रेट जो है वो आपका जैसे 5 महीने के लिए लग ईयरली जाएगा, दिखाएगा? 5 महीने के लिए ही खाली दिखाएगा। अगर हम ये नहीं करते करो हैं एक बार, करो देखे। हाँ तो ये 15,128 दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो 5 महीने पकड़ के चलता है। हाँ जी ठीक है, ठीक है सर, वो मतलब फिर इसको हमें लेना ही पड़ेगा मंथली में, ये तो कंपलसरी है, आप लगा लीजिए, जो है ठीक है, स्टैंडर्ड है वो। ठीक है स्टैंडर्ड है, क्योंकि ठीक है, मोस्टली हम ईयरली रेट की बात करते हैं और पीरियड में ईयर की ही बात करते हैं। तो ये फ्यूचर वैल्यू दिखा रहा है, ये किस्त बता रहा है मुझे कि 1160 रुपये आपको भरने पड़ेंगे अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है जी, इसमें क्या होता है ना सर, देखिए मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे आपने कुछ लगा के छोड़ दिया, ये हो गया जैसे 50,000, ये तो आपने लोन उठाया, इस पे आप इंटरेस्ट भर रहे हैं। आप ये लगा दिए कि इसकी आपने करा दी एफडी डायरेक्ट, अब इतने रेट से कितना मिलेगा आपको, क्योंकि ये बढ़ेगा ही ना, तो इंटरेस्ट आपको बढ़ के मिलता रहेगा हर बार। सही है वो, इसीलिए 1 लाख दिखा रहा होगा ना वो। हाँ, क्योंकि 50,000 तो है ही है, इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं जी। हाँ, तो ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड है और ये लोन बेस्ड है। ठीक है, ठीक एफ वी पी वी रेट और ये NPR ये सेम रहेंगे, खाली पीवी और सर, एफवी का वो चेंज आता है, हाँ जी हाँ जी फ्यूचर हाँ जी वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए ये है 69804, एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये हम माइनस हटा देते हैं, ये फ्यूचर वैल्यू है, तो मैं इस पीएमटी के फॉर्मूला में ये दे देता हूँ, देखता हूँ क्या दिखाता है, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन है, रेट डिवाइडेड बाय 12 बाकी एन पर मल्टीप्लाइड बाय 12 पीवी 0 दे देता हूँ, एफी दे देता हूँ जो भी देना है, तो 809 रुपये कम बता रहा है।
कि अगर आपको ये चाहिए तो 809 रुपये, 50,000 मतलब 809 रुपये आपको भरना पड़ेगा मंथली। इसमें सीधा सा फंडा ये है, इसको पीएमटी को मारे को लिए, ये इन्वेस्टमेंट बेस है कि आपको इसमें सीधा सा है कि मुझे 1 लाख चाहिए तो कितना भरना पड़ेगा, ये सीधा सीधा आपको बता देगा कि इतना भरना पड़ेगा आपको, अपने आप 1 लाख हो जाए। और लोन ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा सारा, ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर में यूज हो रहेगा ये, बैंकिंग सेक्टर में यूज होता होगा ज्यादा ये। हाँ जी हाँ जी, हमारे यहाँ भी ज्यादा यूज नहीं होता, बहुत कम कहीं होगा तो होगा। हाँ हम लोग भी यूज नहीं करते ना सर, इसलिए अब हम लोग आईटी के बंदे हैं, ज्यादा यूज फाइनेंस के बारे में इतना कुछ पता तो है नहीं, अब जो पता है उसी से आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ ये, पर ये लोन लोन वाले सेक्टर में हमने ये तो मैंने आजमाया हुआ है ये वाला, इसको मैं काम करते करते मजाक करता था, कोई मतलब 100 रुपए भी उधार लेता था ना तो उसको पूरी लिस्ट बना कर दे देता था कि भाई साहब इतना इतना जमा करें ऐसा देख के बॉस लोग चौंक जाते थे एकदम देख के, कह रहा भाई क्या दे दिया ये पूरा रेट चार्ज इससे तो मतलब हमने मतलब मस्ती करने के लिए इसका यूज करते थे काम तो आज तक आया नहीं वैसे ये फॉर्मूला में काम तो नहीं लगता ये कहीं भी ये इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में ना वहां पे काम आएगा, और वहां पे भी क्या काम आएगा, वहां उनके कुछ और फंडे होते हैं वो बता देते हैं, क्योंकि हर एक चीज का यूलिप्स का अलग होता है, 50 तरह के फंड होते हैं, हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। हाँ वहाँ उनके दुनिया भर के अलग अलग वो उनके एडोप्स रहते हैं अलग, वो सब अंदर कमीशन रहता है, बहुत सी चीजें रहती हैं उधर। हाँ उसमें क्या होता है ना कि जैसे आपसे तो ले रहे हैं वो 10,000 रुपए मंथली के, अब वो 50 तरह के फंड्स में लगा रहे हैं, दूसरा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका 30% तो करीब कमीशन में बट जाता है, बचे हुए वैल्यूज में आपको कुछ वो अपना सर्विस चार्ज वगैरह काट लेते हैं, आपका 25-30% जो फंड होता है वो मार्केट में डालते हैं, और यही हर किसी का रोना होता है कि हमारा फंड बढ़ा नहीं बढ़ा नहीं, जब फंड गया ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से, कहाँ से बढ़ेगा डालते ही वो 70% है कहाँ से बढ़ेगा मैंने काम किया हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर में तो उसमें अच्छा मैं इंश्योरेंस मतलब मैंने वो IRDA का वो एग्जाम था वो भी दिया था पास किया। अच्छा, इससे अच्छा तो FDA शांति से रहो, 10% लेते रहो, 9.5 लेते रहो, वो बढ़िया है एकदम, वैसा ही वो सही है, FD के लिए ही होता है वैसे तो। बाकी चलिए और फॉर्मूले देखते हैं, फाइनेंशियल में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, बाकी फिर थोड़े से हार्ड कोडेड फॉर्मूले हैं, इनका तो मेरे को पढ़े भी नहीं जाते पर है क्या चीज वाले, बाकी है नॉमिनल वगैरह ये सब उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट से लेकर बाकी अपने सिक्स सिग्मा के कुछ फॉर्मूले हैं क्या? सिक्स सिग्मा का मैं जानता नहीं सर वैसे, वो ये उसके लिए डेटा अच्छा। के लिए कुछ होता है ना सर? हाँ उसमें जनरली रहता है वेरिएंस निकालने के लिए, सिग्मा वैल्यू निकालने के लिए वो यूज करते हैं जनरली, सिक्स सिग्मा में यूज करते हैं ये आपके जितने भी जनरली। सिक्स सिग्मा का एक सॉफ्टवेयर रहता है मिनी टैब करके, एक सॉफ्टवेयर आता है वो भी और उसमें ही हम कैलकुलेट करते थे, बट एक्सेल में होता है क्या ऐसा या कम यूज होता है? ये रहा वेरिएंस के लिए आपका बार, ये आपके स्टैटिकल जो भी इस तरह के फॉर्मूले है ना वो आपको स्टैटिकल में मिलेंगे, स्टैटिस्टिकल एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मोड मीडियन रेंज ये सब करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो सारे फॉर्मूले इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो वो तो स्पेशलाइज्ड फॉर्मूले हैं हम मतलब, अब जैसे कोरिलेशन निकालना हो गया कि जैसे फॉरकास्टिंग मतलब हमने कितने की एडवर्टाइज की कितनी चीज बिकी हमारी, इसके बीच में एडवर्टाइज का और उसके बीच में कितने परसेंट का रिलेशन रहा, वो कोरिलेशन का फॉर्मूला लगता है, तो इस तरह के हैं कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन, हालांकि स्टैंडर्ड मैं स्टैटिकल मैंने पढ़ी नहीं है, पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब इसी से निकालते हैं, मीडियन मोड निकालना ठीक है।
हर एक के लिए जो भी है ना, आपको ओके ओके इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला चाहिए तो इसमें आपको मिल जाएगा। और जो मैंने साइट यूज करता हूँ टेक ऑन दी नेट पे, इसमें आपको इसका रेफरेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग तो कौन सी ज्यादा साइट? ये टेक ऑन दी नेट सर देख रहे होंगे, ये साइट गूगल पे डालेंगे। उसमें क्या मिलता है? देखिए ये जो है ना हमारा फॉर्मूला के लिए मास्टर वेबसाइट है, आप गूगल पे जाइए टेक ऑन दी नेट, इसको रेफरेंस में रखिएगा। फॉर्मूले रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये सबसे अच्छी सॉल्व करता है, टेक ऑन दी नेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे आप एक्सेल में जाएंगे, इधर एक्सेल कैटेगरी है, यहाँ पे एक्सेल फंक्शंस, यहाँ पे आपका डब्ल्यू एस कैटेगरी यानी वर्कशीट फंक्शन लिस्टेड बाय कैटेगरी, यहाँ आपको जो हमारे टेक्स्ट के फॉर्मूले हो गए, मैथमेटिक के फॉर्मूले हो गए, स्टैटिक्स के फॉर्मूले हो गए, स्टैटिक्स के कैसे कैसे लगाते हैं सब इसमें है। जैसे आपने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो STDEV है ये, अब इसको लगाना कैसे है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। सही है, हाँ, सही और है, इसका एग्जाम्पल भी आपको दिख जाएगा, ये वैल्यूज है STDEV में, इसने A2 और A3 का निकाला, यानी इन दोनों वैल्यू का निकाला, क्या रिजल्ट आया ये आया, तो यहाँ ये A2 A3 का डाला, A3 A5 45 ऐसे ही डाल रखा है, A3 A5 और समझ गया 45, समझ गया। यहाँ पे आपको दिखा पूरी रेंज सिलेक्ट करके दिखा रहा है, तो यहाँ 85 रिटर्न करेगा। अब इसका इनका यूज उसमें है जिनको इसका बेसिक फंक्शन पता हो, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है, हमें तो यही पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है, अब इसको डेप्थ में नहीं मालूम कि होता क्या है। सही है, सही है, सही है। नहीं, बिजनेस मैं देख लूंगा इसमें से। ठीक, एनालिटिक्स वगैरह में काम आता है ये, बाकी इसके जो जनरल नहीं, सिक्स फॉर्मूला। सिग्मा में हम लोग बहुत यूज करते थे इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत यूज करते थे हम लोग। सिक्स सिग्मा में बहुत यूज होता है, यानी स्टैटिस्टिकल काफी यूज होता है। जब जब आपको एक प्रोबेबिलिटी देखनी होती है ना, तो ये फॉर्मूले बहुत काम आते हैं। ठीक प्रोबेबिलिटी है, का हो गया, फॉरकास्टिंग का फॉर्मूला हो गया, तो फॉरकास्ट का भी फॉर्मूला है इसके अंदर, सारे जितने भी है वो स्टैटिकल्स में आपको मिल जाएंगे, स्टैटिस्टिकल में, इसमें ठीक है, ठीक है। स्लोप, स्टैंडर्डाइज, रैंक, ये क्वार्टाइल, प्रोब, पोर्शन, पता नहीं क्या क्या है, परसेंटाइल, मोड, मीडियन, मीडियन तो मिडेस्ट वैल्यू होती है जो भी, हाँ, बहुत सारे रहते हैं। बाकी इसके सही मैं है। आपको स्टैटिकल्स में जनरल फॉर्मूले बता देता हूँ। क्या मैं आपको सम इफ वगैरह बता चुका हूँ, सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, ये सब? वो आई थिंक शुरू में बताया था, फिर रिपीट करा दो हल्का सा, चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छोटा सा लेटा कर लेते हैं, इसी पे सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बना लिया। अब देखिए सम इफ का यूज कैसे करते हैं, सम इफ जैसे मान लीजिए इसमें मुझे एक किसी एक बंदे की से इन सब की सेल निकालनी, ये कितनी कितनी सेल है इनकी, मोस्टली जैसे मैंने बताया था कि हम पाइवट में यूज करते हैं इसका, पर हमें टोटल सेल्स निकालने हैं, समरी बनानी है, तो विदाउट पाइवट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीप का एक फॉर्मूला लगाया हमने, समीप
समिस के फॉर्मूला में तीन पैरामीटर आते हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। मतलब जैसे मैंने ये रेंज ले ली और इसके अंदर फिर मैंने क्राइटेरिया लिया ये वाला, मैंने कहा पहले जो रेंज है इसके अंदर पहले ये क्राइटेरिया ढूंढो, और जहां ये क्राइटेरिया मिल जाए उसकी आगे की वैल्यू जो है वो, मतलब जहां पे रवि हो, खाली रवि की कितनी कितनी ये वैल्यू है वो आ जाएगी, तो सम रेंज में वो वैल्यू आएगी जिसको हम सम करना चाहते हैं, तो मैंने ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है जी, तो ये रवि का टोटल दिखा रहा है खाली, इसको फिक्स कर देता हूं ताकि मैं इसको ड्रैग कर सकूं। दोनों रेंज मैंने फिक्स कर दी, क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया जो मैं इसे ड्रैग कर रहा हूं। तो ये इन सब का टोटल है, रवि का इतना, श्याम का इतना, हरीश का इतना टोटल। ठीक है जी, अब मैं एक और क्राइटेरिया लगा देता हूं, मान लीजिए एक से ज्यादा क्राइटेरिया है, मैंने कहा रवि की फरीदाबाद में कितनी सेल है वो बताओ, तो समिफ के अंदर तो हम एक ही क्राइटेरिया दे सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सम इफ्स। अब सम इफ्स में हर, अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया, हाँ सम इफ्स, सम इफ्स में क्या है कि एक पैरामीटर चेंज हो जाता है, इसमें सम रेंज सबसे पहले आ जाता है, उसमें सबसे लास्ट में आता है, इसमें सबसे पहले आता है, तो सम रेंज पहले दे देंगे हम, बाकी क्राइटेरिया रेंज वन। अब क्राइटेरिया रेंज वन मतलब क्राइटेरिया वन की रेंज कौन सी होगी, नेम वाली होगी, क्राइटेरिया वन चूज कर, क्राइटेरिया वन मैंने चूज कर लिया यहां से, देन क्राइटेरिया रेंज टू, तो मैं यहां से सेकंड क्राइटेरिया की रेंज चूज की और मैंने कहा कि ये है सेकंड क्राइटेरिया, सही है, तो फरीदाबाद की सेल इतने निकले। ठीक है जी, 1243। ठीक है, जैसे ये अगर बदलता है तो हमने कहा दिल्ली की कितनी है, तो 1168। तो इसमें दो ही नहीं, आगे भी कितनी भी दे सकते हैं आप, बस आपको क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज देनी है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज देनी है, क्राइटेरिया, इस तरह से लगाते जाना है। ठीक है जी, कितने क्राइटेरिया हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। दूसरा होता है काउंटिंग के लिए, अब काउंटिंग के लिए मेरे पास काफी सारी चीजें हैं, जैसे एक काउंट का फॉर्मूला लगाता हूं मैं, काउंट का फॉर्मूला मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, मैंने कहा काउंट करके बताओ, इसने बोला 311। अब 311 मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां तो 312 बता रहा है, ये नीचे देख रहे हैं, तो काउंट का फंक्शन जब भी हम लेते हैं तो काउंट का फंक्शन सिर्फ नंबर काउंट करता है, टेक्स्ट नहीं काउंट करता, तो जब हमें टेक्स्ट भी काउंट करना हो तो हमारे पास है काउंट ए का फॉर्मूला, काउंट ए, हाँ जी, यानी काउंट अल्फाबेट्स, काउंट अल्फाबेट्स, ठीक है, हाँ, तो ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है जी, और खाली काउंट, खाली नंबर्स, नंबर्स के लिए, देन आपको अगर काउंट करना है कि ब्लैंक कितने हैं, तो काउंट ब्लैंक का एक फॉर्मूला है, तो यानी इसमें अगर जितने भी नंबर होंगे खाली रेंज होगी वो आपको बता देगा 1,48,264 ब्लैंक सेल्स है किसी भी सिलेक्शन कॉलम में, हाँ जी, कोई भी सिलेक्शन हो उसके अंदर ब्लैंक कितने ये बता देगा, जैसे ये है मैंने ये चूज किया, इसके अंदर ब्लैंक कितने, तो ये मुझे बता रहा है दो ब्लैंक है। ठीक है जी, सही है, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला है। अब आता है काउंट विद कंडीशन, अब जैसे ये तो हमने बता दी कि टोटल ये है, कई बार हमें करनी पड़ती है काउंटिंग, रवि कितनी बार आया इसके अंदर, तो यहां पे मैं दे सकता हूं काउंट इफ, तो इसमें सिर्फ दो चीजें होती है, रेंज और क्राइटेरिया, क्योंकि बाकी तो कुछ कराना नहीं है, तो रेंज मैंने यहां से चूज कर ली, क्राइटेरिया यहां से चूज कर लिया, 78 बार रवि आया है। ठीक है जी, अब मेरे पास सवाल आता है कि दो क्राइटेरिया है, रवि तो है पर कितनी बार दिल्ली की सिटी में उसकी सेल्स है। ठीक है जी, कितनी बार रिपीटेड है रवि विद दिल्ली, दिल्ली, तो दो क्राइटेरिया हो गए, तो सिंपल काउंट इफ्स लगेगा। इसमें क्या है, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया, देन क्राइटेरिया रेंज
टू और ये क्राइटेरिया। सही है। 26 बार रवि दिल्ली के साथ है, ठीक है जी। तो इफ्स के अंदर भी आप एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया दे सकते हैं, ठीक है सर। अब थोड़ा सा इसमें टेक्स्ट का खेल करते हैं काउंट के जरिए। ठीक है। हमने यहां तो दिखा दिया रवि को, मैं अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने नाम जो हैं वो आर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैंने रेंज चूज कर ली और क्राइटेरिया के अंदर वैल्यू दूंगा वो काउंट इफ। एक्चुअली काउंट इफ रेंज मैंने चूज कर ली, अब क्राइटेरिया के अंदर क्या दूंगा, आर और जो नहीं पता वहां स्टार, ठीक है जी। मैंने कहा कि पहला लेटर आर होना चाहिए, बाकी उसके बाद भी कुछ भी हो तो स्टार, ठीक है जी। सही है। 78 बार रवि आया था, तो क्योंकि इसमें ज्यादा लेटर है नहीं, अगर मैं आर से कुछ और नाम के अलावा कोई है ही ना, रवि है ना खाली, और कोई डालेंगे तो वो काउंट कर लेगा। अब ये रमेश डाल रहा हूँ आर से, 79 एक और बढ़ जाएगा। हाँ सर, ठीक है जी। अब मैंने कहा कि जिसके नाम के लास्ट में एच आ रहा हो, तो लास्ट में एच आने के लिए क्या करेंगे, यानी लास्ट में तो एच लिखेंगे पर पहले स्टार कर देंगे, मतलब आगे का हमें नहीं पता, लास्ट में स्टार ही एच ही है, ठीक है जी। सही है। तो ये आपको बता देगा 79 टाइम्स ऐसा है। अगर हम इसकी जगह कुछ और चेंज कर देते हैं, 78 हो गया, ठीक है जी। अब मैंने पता करना है कितने लोगों के नाम के बीच में कोई स्ट्रिंग आई है, तो क्या करना है, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, बीच में पता है कि एच जरूर है, ठीक है जी। तो जहां नहीं पता होता वहां दो स्टार आगे दो स्टार पीछे ऐसे डाल दे, एक स्टार आगे एक स्टार पीछे, बीच में कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है जी। कोई अच्छा, एच बीच में कितने है, 156 नामों के बीच में, श्याम में भी है हरीश में भी है, ठीक है, ठीक है जी। या फिर हम करें कि एच वाई कहाँ है, तो ये 78 पे आ जाएगा क्योंकि एच वाई खाली श्याम के अंदर है, ठीक है जी। तो ये इस तरह की काउंटिंग, मतलब अप्रोक्सीमेट काउंटिंग करा सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये देख लिया कि कहाँ के लेटर कैसे फाइंड करने हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आगे स्टार एच फिर स्टार, और मैंने कहा आई भी कहीं हो और या ए कहीं हो इसमें, तो ये, ठीक है जी। तो एच भी हो और ए भी हो, पर इनकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है कि एच आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ए भी कहीं भी हो सकता है, एच और ए के बीच में कुछ भी हो सकता है। पर जब हमें पता हो कि सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, स्टार तो कितने भी कैरेक्टर्स के लिए हो सकता है, पर जब हमें पता हो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है और वो हमें नहीं मालूम कितना है, तो वहां हम दे सकते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। 78 आया, तो सिंगल कैरेक्टर के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, हमें नहीं पता कि एक करेक्टर वो कौन सा है, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं कई बार, तो वो स्पेलिंग कौन सी, ई भी हो सकती है आई भी हो सकती है ए भी हो सकती है, तो जो नहीं क्लियर है वहां क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए सिर्फ एक डिजिट के लिए, बाकी मोर देन वन डिजिट के लिए आप स्टार यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ कोड्स हैं इसको एक्सेस करने के, काउंट के साथ इनका अच्छा खासा यूज होता है, जैसे हम टेक्स्ट फिल्टर लगाते थे और उसमें भी ये चीज होती थी हमारी, यहां से अगर हमें ये चीज ढूंढनी है तो हमें बिगिंस विद एंड्स विद एंड कंटेंस था ना हमारे पास, तो सेम यही चीज करने का है।
बिगिन विद आर, आर वाले छांट के। सेम यही चीज हमें इसके जरिए करके दिखा रहा है, काउंट इफ के थ्रू। अब हमें एक चीज करनी है कि जो ये नेम है इसके आगे मैंने ये देखना है कि कितनी बार नाम आए हैं। जैसे मैंने कहा कि जहां रवि, ए पहली बार रवि आया यहां वन लिख दे, आगे बढ़ते गए दूसरी बार रवि आया है टू कर दे, हर एक नाम के साथ ऐसा करें। तो क्या ठीक करेंगे, है, यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला लगेगा हमारा, काउंट इफ वाला। काउंट इफ, बस थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाएगा। रेंज हमने B3 सिलेक्ट की, एंड B3, और क्राइटेरिया भी B3। ठीक है जी, मतलब इसने काउंट करके देखा। अब क्या करेंगे, अगले पे आके टू क्यों काउंट करेगा, यहाँ पे मैंने इसकी रेंज ही छोटी कर दी, मैंने इतनी सी रेंज दी है तो इसमें एक ही बार मिलेगा। मैं क्या करता हूँ, पहली वाली रेंज इसकी फिक्स कर देता हूँ। ठीक है जी, और इसको कर देता हूँ ड्रैग नीचे तक। तो क्या हो रहा है इसमें, अब हम इस रेंज से बात करते हैं यहां से, तो इसने नीचे से लेकर ऊपर तक चेक किया, मतलब यहां से इसने ऊपर तक चेक किया कि रवि कितनी बार है। यहां आ गया 2 बार, इसने 2 बार दे दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे ये रेंज इतनी बड़ी हो जाती है, यहाँ पे ये इतनी बड़ी हो जाती है, तो नीचे से ऊपर तक चेक करता है कि कितनी बार आया, वो रिजल्ट आपको यहाँ दे देता है। ठीक है जी, सही है। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि आपको एग्जैक्ट पता होगा कि कौन सा नाम कितनी बार आया है। आप सही है। जैसे रवि सिलेक्ट करते हैं तो आपको एग्जैक्ट उसमें सिमेट्री में मिलेगा 78 टाइम्स। इसका एक और यूज हो सकता है, अब आप जानते हैं कि इस डेटाबेस में से जो वी लुकअप है वो खाली एक ही वैल्यू उठाएगा। अगर रवि को मैं वी लुकअप से सर्च करूं और रवि की सेल्स जानना चाहूं कोई भी, तो हमेशा पहला वाला ही डेटा मुझे देगा, हमेशा पहला वाला ही रिटर्न करेगा मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जगह मैं इसको कंकेटिनेट कर देता हूं, इस फॉर्मूला के आगे एंड लगा के, एंड का साइन था, और इसको वापस सिलेक्ट कर लेता हूं। तो रवि वन, रवि टू, वन रवि, टू रवि, ऐसे करके ये अपने आप में यूनिक हो गया। रवि दूसरी बार आ रहा है पर टू रवि के नाम से आ रहा है, थ्री रवि के नाम से आ रहा है। अब मुझे अगर इसकी रिवर्स वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना है, खाली यहाँ पे कोई भी वो लगाने हैं। यहाँ से मान लीजिए मैंने रवि दे दिया, कोई भी नाम दे दिया कितनी बार आया, और मैंने क्या करना है, ये ऊपर वाले को कंकेटिनेट कर देना है ये इसके आगे आ जाता हूँ, आगे वाले के साथ कंकेटिनेट कर देना है इसको। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर कर दिया मैंने, यहाँ कंकेटिनेशन दे दिया। ठीक है जी, अब इसके बेस पे मैं वी लुकअप लगा के सेल्स उठा ले रहा हूँ, यहाँ से ये वी लुकअप लगा दिया, कॉलम इंडेक्स सेल्स के लिए 4 एंड 0, तो ये मेरे पास पूरी सेल्स आ गई। पहले रवि की 40, दूसरे रवि की 33। यहाँ पे मुझे ये क्या करना है, ऑटोमेट करना है, इस रवि को चेंज करना है। जैसे मैंने कर दिया श्याम, तो ये श्याम की दिखाने लगा। ठीक है जी, तो फॉर्मूला के जरिए मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। अब ऑटोमेट कैसे करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये नंबर भी अपने आप जनरेट हो, यहाँ पे मैं कर दूंगा काउंट, काउंट इफ। मैंने कहा इस रेंज में फाइंड करो
कि ये शाम कितनी बार आया है। इसने बोला 78 बार आया है, तो यहाँ पे क्या लगाना है मैंने, इफ ये जो है ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे एक दे दे, अदरवाइज यहाँ पे ब्लैंक दे दे। ठीक है जी, एक इफ का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा करेक्टर लिखता हूँ जो है ही नहीं, तो यहाँ अपने आप ब्लैंक हो गया। ठीक है जी, श्याम। अब मैं करूँगा, ये इस पे क्या करना है मुझे, प्लस 1 करना है हर जगह, प्लस 1 करूंगा। पर प्लस 1 कब करूंगा, इफ ये जो करने के बाद अगर ये बड़ा हो जा रहा है इससे, तो यहां पे ब्लैंक कर दूंगा, अदरवाइज वही चलने दूंगा जो सिस्टम चल रहा था, प्लस 1 वाला। ठीक है जी, अब इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक, बड़ा हो गया। अच्छा, मैंने फिक्स नहीं किया, यहाँ पे मुझे जो i6 की ये वैल्यू है ये फिक्स करनी है, ये तो ये चलती चली जाएगी, तब तक चलेगी जब तक 78 पूरा नहीं हो जाता। 78 पे ही ब्रेक लिया, अब यहाँ पे तो ब्लैंक आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एरर क्यों जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये जब चल रहा है ना तो ये ग्रेटर देन है, उसका तो सवाल ही नहीं हो रहा। ये जब भी चल रहा है तो ये यहाँ पे इसको प्लस नहीं कर पा रहा ब्लैंक के साथ, इसलिए एरर रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, इफ एरर का फॉर्मूला देना है। ये इफ से पहले मैं एक इफ एरर का फॉर्मूला लगा देता हूँ, इफ एरर, और अगर इस फॉर्मूले में एरर आती है तो क्या कर दे, ब्लैंक कर दे, बस सिंपल। इसको नीचे तक ड्रैग कर गया, तो इसमें जहां तक वैल्यू होगी वो वहीं तक दिखाएगा, 78 के बाद कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक जी, और यहां मुझे वही कंकेटिनेशन का जो रूल है अपना वो जारी रखना है। ठीक है जी, नीचे तक चला गया, जहां भी वे जो भी था यही फॉर्मूला भी नीचे तक चला गया, वी लुकअप वाला। अब ये हो गया डायनेमिक, अब इसका क्या करते हैं, ये नेम भी यहां से नहीं लेते हैं, यहां से मैं क्या करता हूँ, यहां से नेम उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और एक जगह यहाँ डाल देता हूँ, और इसको डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ, तो मेरे पास एक यूनिक लिस्ट आ गई। इसको नेम को हटा देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट चूज करूँगा, और लिस्ट में जो सोर्स है वो ये चूज कर लूँगा। ठीक है जी, ओके। अब क्या हो गया, ये मेरे पास ड्रॉप डाउन हो गई। ठीक है जी, संदीप एक ही बार आ रहा है इसलिए। अब इधर भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें क्या है कि अगर हमारा जो इधर वाला जो ब्लैंक को, इफ ये वाली सेल इक्वल टू ब्लैंक, देन यहां भी ब्लैंक, अदरवाइज करता रहे जो करना है, या कॉमा। ठीक है जी, अब जब वैल्यू होगी तभी दिखाएगा ये। ठीक है जी, अब यहां क्या करना है हमें, सिंपल सा, अब वी लुकअप में नहीं मिल रहा है इसको, यहां से क्या करते हैं वी लुकअप को भी इफ एरर में दे देते हैं, जहां एरर हो वहां ये फॉर्मूला जरूर लगा दे, ब्लैंक कर दिया।
ठीक है जी, कुछ नहीं दिखा रहा, अब जैसे वैल्यू चेंज करूंगा सब कुछ दिखाएगा। ठीक है जी, दूसरा अब इसके आगे थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है ये चीज करनी, या ये हो ही ना, क्योंकि नाम तो हमारा ऊपर आ ही रहा है, तो खाली सेल्स ही दे दें तो क्या फर्क पड़ रहा है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है जी, अब बस वी लुकअप में क्या करना है, हमने इसके साथ में ये ऊपर वाला कंकेटिनेट करना था, ये इसके साथ में ये ऊपर वाला वी लुकअप के अंदर ही कंकेटिनेट कर दिया। ठीक है जी, वैसे ही दिखा रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको कोई भी डेटा है जो आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सही है। ठीक है सर, ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं, बाकी आगे करेंगे हम लोग, कल चलो ठीक है, मुरली आ गए तो डैशबोर्ड करेंगे। चलो ठीक है, जब तक ठीक है, थैंक्स। वो जब तक नहीं आते हैं तब तक आपका जो बचा हुआ टॉपिक है वो मैं कवर कराता रहूंगा। चलो ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है संदीप, ओके है, ओके ओके। सर, गुड नाइट।